पहले पहले हमारी सुन ले, कृपया जो है। धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान कमेरा और अल्पसंख्यक। लोनी के बाद आप यहाँ पर पहुँचे और लोनी से हार कर यहाँ जीत दर्ज की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये किसानों की, कमेरों की, अल्पसंख्यकों की, एक जो भारत की संस्कृति है, भाईचारे की, ये जीत है। आपकी जो छवि थी लगातार छवि बताई गई। भैया भैया, हमने पहले भी कहा, हमने किसानों की राजनीति की है, मजदूरों की राजनीति की है और गरीबों की राजनीति की है। कौन क्या कहता है संविधान से सुनकर इससे निकाल दे। आगे क्या रहने वाली है? खतौली की जनता ने चुन लिया, किसानों ने आप पर भरोसा जता दिया। देखिए, भाईचारे को पुनः बहाल करना है। अरे जनता, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है और पुणे, उसके बाद मुजफ्फरनगर अपने वैभवशाली गौरव पे लौटे और जिससे वो उत्तर प्रदेश को एक दिशा दे पाए। जिस तरह विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप लोनी के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर कैसे ध्यान दे पाएंगे जीतने के बाद? अरे भैया, लोनी क्या पाकिस्तान में है? क्या पाकिस्तान में है लोनी? आप ये बताइए, आप कम से कम ऐसी बातें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम भाईचारा जोड़ रहे हैं। लोनी अभी हिस्सा है, खेकड़ा अभी हिस्सा है, मेरठ अभी हिस्सा है, इलाहाबाद अभी हिस्सा है, गोरखपुर अभी हिस्सा है। लोनी का जिक्र किया, लोनी प्रदेश का ही हिस्सा है, लेकिन एक बड़ी जीत खतौली वासियों ने आप पर भरोसा जताया है इस आरोप के बावजूद कि बाहरी प्रत्याशी है। लोनी भी हम जीते थे, 1.25 लाख वोट लेके जीते थे। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष था, वहाँ का प्रशासन निष्पक्ष नहीं हो पाया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।